आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला है, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। दो पार्टिकल हैं जो कि सर्कल में चल रहे हैं और उस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो दिया है r। बोलो सही है कि नहीं। इधर से भी क्या होगा, r कुछ ऐसा है, ऐसे घूम रहे हैं, वो ऊपर ये नीचे जा रहा है। अब ये बताओ ये दोनों जो पार्टिकल है दोनों के पास मास है तो ये किससे बंधे होंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो सही बात है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख सकते हैं सेंटर की ओर है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर बोलेंगे। भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर है, सेंटर की ओर है, तो क्या बोलेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम एम और बीच की दोनों की डिस्टेंस कितनी है, टू आर होल स्क्वायर। एम वी स्क्वायर बाई कितना हो गया, आर। एम से एम कैंसिल, एक आर से एक आर गया तो कितना हुआ, जी एम अपॉन टू आर बोलो हो गया, और ये वी स्क्वायर है। बोलो सही। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो हो गया टू जी एम अपॉन टू आर, ये वी हो गया। अब आप चाहे तो हाँ, देखो एक चीज तो गलती कर ली भाई, देखो ऑप्शन तो सही दिया है, हम लोग क्या किए यहाँ पे, टू है इसको स्क्वायर नहीं किए, टू है इसको स्क्वायर नहीं किए, तो ये फोर हो जाएगा। और जब अगर ये फोर हो जाएगा, अगर बच्चों अगर ये फोर हो जाएगा तो ये टू बाहर आ जाएगा ना, तो वन बाई टू जी एम अपॉन कितना हो जाएगा, आर है। अब ऑप्शन देखिए, ए आंसर है कि नहीं है, लिख लो यहाँ पे, ध्यान दीजिए स्क्वायर कर देना था। चलो